हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं युगल और आप देख रहे हैं वर्ल्ड्स अमेजिंग फैक्ट्स। दोस्तों, जब भी हम आकाशगंगा में इन लाखों करोड़ों तारों को देखते हैं तो अपने आप को बहुत छोटा महसूस करते हैं, क्योंकि हम भी इन्हीं तारों की धूल और बादलों से बने हुए इंसान हैं, जो इस ब्रह्मांड की 500 अरब आकाशगंगाओं में से किसी एक आकाशगंगा में रहते हैं। हमारी आकाशगंगा में 100 अरब से भी ज़्यादा तारे हैं, और इन्हीं 100 अरब तारों में से हमारा अपना एक तारा है जिसका नाम हमने सूर्य रखा है। और सूर्य का चक्कर लगा रहा एक छोटा सा ग्रह पृथ्वी है, जहां 7.5 अरब इंसान राज करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे अपने अनंत ब्रह्मांड के बारे में, जिन्हें शायद ही आप जानते होंगे। नंबर 1, ब्रह्मांड में सब कुछ गतिशील है, यानी सब कुछ चल रहा है। हमारी पृथ्वी 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रही है, और पृथ्वी सूर्य का चक्कर 1,08,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगा रही है, और सूर्य भी 7,00,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमारी आकाशगंगा मिल्की वे का चक्कर लगा रहा है। और हमारी आकाशगंगा भी ब्रह्मांड में 25,00,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रही है। नंबर 2, एक रिपोर्ट के मुताबिक आज से 3 अरब साल बाद हमारी आकाशगंगा किसी और आकाशगंगा से टकराकर नष्ट हो जाएगी, और शायद इसे देखने के लिए हमारी मानव सभ्यता ना रहे। नंबर 3, सूर्य हमारी पृथ्वी से 13,00,000 गुना बड़ा है, लेकिन ब्रह्मांड में हमारे सूर्य से कई गुना बड़े और भी तारे मौजूद हैं। नंबर 4, अंतरिक्ष से चीन की सबसे ऊंची दीवार द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना नहीं दिखाई देती, लेकिन चीनियों के द्वारा किया हुआ प्रदूषण स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। नंबर 5, जब आपका टीवी या कोई आवाज़ पैदा करने वाला रिकॉर्डर या म्यूजिक सेट जब नहीं चल रहा होता, तब जो बेकार सी आवाज़ पैदा होती है वो बिग बैंग के तुरंत बाद बनने वाले रेडिएशन का नतीजा है, जो 15 अरब सालों बाद भी ब्रह्मांड में मौजूद है। नंबर 6, सन 1962 में अमेरिका ने स्पेस में एक हाइड्रोजन बम का विस्फोट किया था, जो जापान के हिरोशिमा बम पर गिराए गए बम से 100 गुना अधिक शक्तिशाली था। नंबर 7, हमारी पृथ्वी से 700 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर ग्रेट व्हाइट नाम की एक ब्रह्मांड में ऐसी जगह है जो पूरी तरह से खाली है। 33 प्रकाश वर्ष में फैली इस जगह पर दूर दूर तक कुछ भी मौजूद नहीं है। नंबर 8, हमारे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलंपस मॉन्स मंगल ग्रह पर स्थित है, जो माउंट एवरेस्ट से कई गुना अधिक बड़ा है। नंबर 9, चंद्रमा पर रखे हुए अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा कदमों के निशान आने वाले 10 अरब सालों तक नहीं मिटेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि चंद्रमा पर वातावरण नहीं है, जिसकी वजह से वहां हवा, पानी, बारिश कुछ भी नहीं है, लेकिन अंतरिक्ष से गिरने वाले सूक्ष्म रूप के मेटल और उल्काओं की वजह से यह निशान धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। नंबर 10, एंड्रोमेडा गैलेक्सी नंगी आंखों से देखी जाने वाली सबसे दूर स्थित आकाशगंगा है। यह पृथ्वी से 23,09,000 प्रकाश वर्ष दूर है। इसमें लगभग 300 खरब तारे हैं, जिसका व्यास 1,80,000 प्रकाश वर्ष है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल वर्ल्ड अमेजिंग फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर लें, ताकि अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।